खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। इस वक्त में हम अपने मुताला के लिए सैमुएल नबी की पहली किताब के 19वें बाब से 21वें बाब का मुताला अपने लिए करें। इन अबवाब के अंदर सऊल की दाऊद को कत्ल करने की साजिश, यूनतन का दाऊद से अहद, दाऊद का नोब और फिर जात को फरार होना, इन बातों का ज़िक्र मिलता है। इस वक्त में हम खसूसियत से सैमुएल नबी की पहली किताब के 20वें बाब की 16वीं और 17वीं आयात के चंद हिस्सों पर गौर करेंगे। खुदा उनके कराम में लिखा है, सो यूनतन ने दाऊद के ख़ानदान से अहद किया क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। आमीन। शहज़ादा यूनतन एक मारूफ सिपाही था और 14वें बाब की 6 से 14वीं आयत के अंदर हमें इस बात का ज़िक्र मिलता है। और सऊल के बेटों का एक काबिल सरदार भी था और यूँ लगता था कि उसकी किस्मत में इसराइल का दूसरा बादशाह बनना लिखा है। यूनतन ने हर लिहाज से अपने आप को कौम का रहनुमा और बादशाह बनने के काबिल साबित किया था। इसराइल का दूसरा बादशाह होना बड़ा शर्फ था, मगर यूनतन जानता था कि खुदा ने उसे नहीं बल्कि दाऊद को इसराइल पर हुकूमत करने के लिए चुना था। यूनतन दाऊद से अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। अकेले में दाऊद से वफादारी का अहद करते हुए यूनतन ने बादशाही का हक बाखुशी दाऊद को दे दिया। तब यूनतन ने वो कबा जो वो पहने था उतार कर दाऊद को दी। ये कबा बादशाही की थी जो यूनतन ने अपनी तलवार, कमान और कमरबंद समेत दाऊद के हवाले कर दी। 18वें बाब की 3री और 4थी आयत में हमें इस बात का ज़िक्र मिलता है। यूनतन ने एसार और दूसरों की तरक्की की खातिर खुदा की मर्ज़ी बाखुशी कबूल करने की बहुत खूबसूरत मिसाल पेश की है। कोई खुशी या ज़ाती फ़ायदा इतना अहम नहीं जितना खुदा के साथ अपने अहद में वफादार रहना है। हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैंने वो तमाम चीज़ें मसीह के हवाले कर दी जो मुझे अजीज़ हैं? क्या मैं दूसरों को खुदा से आशना कराने की खातिर अपने हकूक़ से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ? यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 13वीं आयत ये बयान करती है, इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। मसीह यीशु ने हमसे हकीकी मोहब्बत की और बाप ने अपनी खुशी की परवाह ना करते हुए अपने प्यारे बेटे, हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को हमारे गुनाहों की मखलसी के लिए कुर्बान होने दिया ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। जो ख़ास सबक हमें इस मुताला में मिलता है वो ये है कि हकीकी अज़मत फरोतनी से ज़ाहिर होती है और हमें हमेशा फरोतन रहना है। फरोतनी इस बात का इजहार करती है कि हम खुदावंद में हैं। यूनतन फरोतन बना और उसने दाऊद को अपनी बादशाही सौंप दी और खुदावंद खुदा ने भी दाऊद पर फ़ज़ल किया। हमें भी फरोतन बनने की ज़रूरत है। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।